मैं ये बातें इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं उनके बाजू में बैठा हूँ। ये दीवार के पीछे काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी फिलहाल मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है। आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल चुका होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं। लेकिन आज का जो दिन है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा दिन है, प्लस बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, क्योंकि ये चीज़ के लिए मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था और वो चीज़ हो चुकी है। लाइक बाय फ्लूक हुआ लेकिन हो गया। और चलो अभी फटाफट हम लोग वहीं पे चलते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट करूँ और वहाँ पे लेट हो गया हर काम के लिए। तो चलो जल्दी चलते हैं, क्योंकि हम लोग को आज मेरा एक दोस्त है पराग करके, आप लोग ने देखा होगा मेरे ब्लॉग में ट्रैक वाले, वहाँ पे भी वो मिल चुका है। अभी वो स्टेशन पे वेट कर रहा है, वहाँ से पिकअप करके हम लोग फटाफट डायरेक्टली वहाँ पे मिलता है। तो आज की मैंने प्लानिंग कैसे की है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ इन शॉर्ट। कि सबसे पहला चीज़ तो ये है कि हम लोग पहले पराग से मिलेंगे, पराग को उठाएंगे यहाँ से फटाफट और फिर डायरेक्टली हम लोग जाएंगे गोरेगांव। कैसा है मेरा पहला यूट्यूब ब्लॉग? कैसा है वहाँ? अरे पुलिस वाले ने भगा दिया। क्यों? उसके ऊपर खड़ा था। अच्छा, तो पास तो है ना तेरे पास? अभी फुल मौज मस्ती वाले सीन्स। आ गए आ गए आ गए भाई। इतना 5 स्टार होटल और सामने का रास्ता देख। साथ यहाँ पे पर आ गया और हम लोग आ चुके हैं। टेडx का इवेंट कहाँ है भाई? भाई कहाँ है? बैनर नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं? हम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि टेडx का इवेंट कहाँ पर है। यहाँ पे यहाँ का इंटीरियर बता दे सबको। मास्क ऊपर कर ले बस। इंटीरियर क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। फुल 5 स्टार वाले वाइब्स आ रहे हैं कि नहीं? एकदम 5 स्टार 7 स्टार सब ताजमहल ब्रो। मैं पराग नंगा होके नाच पराग नहीं होता फिर अलग ही स्कीम। फिर अपन फुल फटेंगे हम लोग। बट यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक हम लोग कैमरा वैमरा लेके घूम रहे हैं, पीपल आर स्टेयरिंग एट अस, ऐसा कुछ नहीं है। कूल टेबल काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है। अभी सीन कैसा है ना, पीछे साइड में यहाँ पे जस्ट ये दीवार के पीछे काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं जो अभी दिखा नहीं सकता। कि अभी सारा सेटअप वाला सीन चल रहा है। एक बार सेटअप ठीक हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोग अंदर जाके व्लॉग कर सकते हैं, BTS शॉट शूट कर सकते हैं। BTS एज इन बी रोल शॉट्स आपको सब मिलने वाला है भाई। तो एन्जॉय करो सारे पूरे व्लॉग को, ठीक है? बाकी सब बढ़िया है। बाकी तो मैं अभी DSLR इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा क्वालिटी कंटेंट धीरे धीरे बढ़ते जाए। वाइड एंगल भी अपने फ़ोन में है। बाकी तो आप लोगों को भी पता है कि आईफोन वाला क्वालिटी 1+ देता है। फिर बाकी सब तो भाई मौज मस्ती में चल रहा है। कोई तरह कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा। एंड मोमेंट तक मेरा प्लान कैंसिल था, बट ओम कन्विंस मी समहाउ एंड आई एम हियर। मेरा कन्विंस ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड वी आर हैविंग अ बोल ऑफ अ टाइम। अभी मैंने पराग को मेरा गोरिल्ला पॉट दिया। Yes. इसका वाला जो जंबो था वो टूट गया आउट ऑफ द ब्लू। यहाँ पे सारे मज़े सिर्फ पराग के चल रहे हैं, मेरे नहीं चल रहे है कि नहीं? Actually, Om is way too anxious and anxious नहीं यार, मेरे कितने टाइम से मेरा नींद नहीं हुआ एक्चुअली। बंदा नींद के लिए रो रहा है सुबह से। बताओ, बदलापुर से बंदा बांद्रा आया और उसको 20 मिनट इसने रुकाया। क्या बोलूं, मैं फिर भी रेडी होने के लिए। ऑनेस्टली बोलूं, होम इज अ वेरी नाइस गाय। वो मेरे ब्लॉग में पता चलेगा क्यों। ए बंद हो गया। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर द सेशन। थैंक यू। यू लुक कॉन्फिडेंट एंड आई एम ऑलवेज कॉन्फिडेंट। सुपर ब्रिलियंट। ये दरवाज़ा देख रहे हो आप लोग, बड़ा सा। यहाँ पे सब कुछ शूट हो रहा है TEDx रिलेटेड। और बाकी मैं आप लोगों को बता सकता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि कैसा है ना, अगर मैं ज़्यादा कुछ बता दिया कॉपीराइट पर कुछ सीन हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता सकता हूँ क्योंकि मैंने परमिशन ली अच्छे से और बातचीत हो गई मेरी। तो अंदर जाके अपन थोड़ा बहुत शूट करता हूँ, आप लोगों को बताता है। सो राइट ना हम लोग यहाँ पर TEDx के एरिया में जहाँ पे एग्जैक्ट शूट होता है, तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ थोड़ा बहुत, ज़्यादा कुछ नहीं लेकिन थोड़ा बहुत बता सकता हूँ। तो आप लोग देख लेना, आप लोग को भी एक इमेज सेट हो जाएगा कैसा होता है। तो यहाँ पर देखो अभी टीवी है, वो टेलीग्राम है, मेरी कैमरा है 68%। बाकी सब तो सही चल रहा है और मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा मोमेंट है, क्योंकि ये सब ऐसे देखना आँखों से और एक्सपीरियंस करना चीज़ों को बहुत ज़्यादा वंडरफुल, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा काफ़ी कुछ हो रहा है यहाँ पे, और द फन होटल में काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे तो। और अभी मैं काफ़ी बोर हो गया था वहाँ पर, मेरे को ज़्यादा कुछ करने के लिए था नहीं वहाँ, तो मैं सोचा यार चलो नीचे जाते हैं, थोड़ा पराग की हेल्प करते हैं, क्योंकि कैसा है भाई साहब क्या क्वालिटी आ रही है। रुक जा दिखाता हूँ, हाँ क्या दिख रहा हूँ मैं, हीरो लग रहा हूँ पूरा, है कि नहीं, फुल हीरो। तो अभी थोड़ा पराग की हेल्प करते हैं यहाँ पे। क्या चालू है भाई, क्या चालू है भाई। ऊपर जाके थोड़ा बहुत शूट किया मैं, थक गए भाई जिंदगी, थक गया। सो ऑलमोस्ट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम जो हम लोग वेट कर रहे थे कि सारे टैलेंट आएंगे और हमसे मिलेंगे, वो वेट ख़त्म हो चुका था एंड ये बड़ा मोमेंट था बेसिकली मेरे लिए। हम खुद बना सकते हैं। एग्जैक्टली। एज अ क्रिएटर यू हैव लॉट ऑफ पावर इन यू, सो कीप अप द गुड वर्क। सो एज वी ऑल नो, हम लोग बचपन में बहुत शकलाका बूम देखा करते थे एंड हमारे फेमस कैरेक्टर थे संजू। और आप लोगों को लग रहा होगा मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, तो मैं ये बातें इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं उनके बाजू में बैठा हूँ और इट्स लाइक अ ड्रीम, सीरियसली लाइक अ ड्रीम, क्योंकि मैं और पराग दोनों एंग्शियस हो चुके थे। मेरे तो हार्ट बीट एकदम फास्ट हो गई थी, लेकिन ही इज़ अ गुड मैन एंड इन्होंने मुझे और पराग को दोनों को एक अच्छा सा पेप टॉक दिया अभी तो। हाँ, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है मैं अभी तो। कुछ ऐसे वर्ड्स आप हमारे ऑडियंस को कहना चाहेंगे? सो गाइस, मैं इनसे भी वही बात कर रहा था कि लाइफ में हर किसी की लाइफ में एक फेज़ आता है वेयर यू आर नॉट हैप्पी विथ व्हाट्स हैपनिंग और यू आर वेरी स्ट्रेस्ड विथ व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ और थिंग्स आर नॉट गोइंग एज पर व्हाट्स प्लान। अपेरेंटली लकीली आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग सिमिलर ओनली टुडे एंड आज आप लोग से पहले ये बात करने मिली। यू डोंट हैव टू वेट फॉर द वीडियो टू कम आउट ऑफ TEDx। सो या, सो जस्ट गाइज डू व्हाट यू फील like doing, do what makes you happy and unfortunately you end up doing things that actually you don't want to do, but do it with a smiling face because eventually आपको वो चीज़ करनी है तो रोते हुए करने से अच्छा है हंसते हुए करो, शायद आप उसे एंजॉय करोगे। ऐसे कभी कभी मेरे साथ भी होता है जब मैं YouTube वीडियोस बनाता हूँ। मैं सीरियसली अभी पब्लिक एरिया में बनाने के लिए थोड़ा सा दर्द होता है क्योंकि कभी ऑडियो ग्लिच आ जाता है, कभी वीडियो में प्रॉब्लम होता है, 100 लोग आते जाते देखते हैं क्या बना रहा है क्या कर रहा है, तो वो टाइम एजिटेटेड फील होता है। इवन जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो उस टाइम भी मैं सोचा यार मैं रोने से अच्छा थोड़ा हंसता हूँ, थोड़ा अपने आप का मूड चीयर अप करता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि यार वीडियो में अच्छा जाएगा। या एग्जैक्टली, बिकॉज इन लाइफ अगर कोई चीज़ आपके कंट्रोल में है और आप उसे चेंज कर सकते हो तो प्लीज़ वर्क करो, चेंज करो। और अगर आप रियलाइज़ करते हो कि आपके कंट्रोल के बाहर है तो माइट एज वेल खुशी खुशी गो विद द फ्लो। थैंक यू सो मच एंड मैं सीरियसली ओवरवेल्म्ड हूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। So we all know Nayan Deep and here he is. Hi, what's up? Everything good? And इनका इंटरव्यू हुआ अभी जस्ट, हम लोग पूरा इंटरव्यू देखे, like मैं आधा देखा because मेरा फ़ोन पराग के पास था यहाँ पे। एंड अभी ऐसा सीन है कि आपको कैसा लगा? मैं हमेशा सुबह से बात कर रहा हूँ, मुझे पहले जानना है कि आपको कैसा लगा, आप बोर हुए? नहीं, नॉट एट ऑल। श्योर, चलो अच्छा। आपका पहला TEDx टॉक कैसा था? You know, I have always watched these TEDx talks and I felt like same, me too, because आज मैं यहाँ पे TEDx पे आया हूँ just because of ईरानी मैम, and जब उन्होंने मुझे email भेजा I was jumping like literally you said ना the same feeling I had that time. Yeah. Even my mom was really excited that time. It's a childhood dream come true. Yeah. It's a big milestone in my career. Exactly. And as a vlogger, she said me, as a vlogger, आपको आना. Then I was like literally speechless because आज तक कोई भी TEDx में as a vlogger नहीं गया to capture the event. Good. Well done. You are fantastic. That was the big beautifully. That was the big big thing. Thank you so much. You have to send it to me. Sure, sure. And आप लोगों को पता ही है नयन दीप के बारे में because he was in Pink Villa, right? Yeah, I was in Pink Villa. Now I'm with Bollywood Bubble. Exactly. So अभी हम लोग थोड़ा lunch करेंगे because मैं सुबह से सिर्फ नाश्ता करके अभी बैठा हूँ and नयन दीप भी अभी lunch करेंगे. I have not eaten because I didn't feel hungry. But now I live with all of you. Sure. तो अभी हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर बाद. And thank you so much. Thank you so much. You're lovely. You're lovely. So TEDx का इवेंट अब ख़त्म हो चुका है and पूरा TEDx का जितना भी क्रेडिट जाता है, जितना रातों रात इन्होंने काम किया है, वो पूरा क्रेडिट इन्हें जाता है. अभी भाई मेरा लेंस वाइड नहीं है तो मैं जितना खींच सकता हूँ उतना खींच रहा हूँ. आप लोगों को कुछ कहना है? It was an awesome experience. Yes. It was. बहुत मजा आया. सबके लिए memorable था. बहुत memorable था. एकदम. ये vlog डालूँगा तो like कर देना. Like, share, subscribe. TEDx का जो भी पूरा talk था, event था, सब खत्म हो चुका है. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पीछे. यहाँ पे अभी पूरा आप लोग को पता भी नहीं चल रहा होगा यहाँ पे TEDx talk हुआ था. And TEDx talk में बुलाने के लिए कुदसिया मैम का बहुत बहुत शुक्रिया. एंड ऐसे ही कोई भी और इवेंट होगा प्लीज बोलिएगा. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड कवरिंग आवर इवेंट एंड द काइंड ऑफ फुटेजेस दैट यू आर टेकिंग एंड द रॉ फाइल्स आल्सो आई हैव सीन. यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब. थैंक यू सो मच. वंडरफुल जॉब. ऑल द बेस्ट. प्लीज इसकी चैनल को सब्सक्राइब करो, ये ब्लॉग को लाइक करो. दैट्स द बिग थिंग. That's a big thing for any YouTuber. Exactly. So, in fact, मुझे ये भी नहीं पता था मैम मेरे कॉलेज में प्रोफेसर के हिसाब से आई हैं. एंड मेरे फ्रेंड ने मुझे इंसिस्ट किया कि मैम से एक बार बात कर. एंड मुझे लिटिल डिड आई नो इतना. थोड़ा टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से मेरा आधा व्लॉग अटक चुका था. एक कॉल आ गया था मुझे और फिर बाद में हमने जो भी बात की थी वो मुझे भी नहीं पता था कि कुछ शूट नहीं हुआ. लेकिन अब शूट हो जाएगा क्योंकि मैंने मैम के बोलते हुए एयरप्लेन मोड पर डाल दिया. सो मैम मैं ही कह रहा था कि आपको ये इवेंट कैसा लगा. आपने ऑर्गेनाइज किया था एंड मैम ने A to Z सारा का सारा काम अच्छे से किया है. कोई भी डिफिकल्टीज आ रही थी तो वहाँ पे उन्होंने जुगाड़ करके सब अच्छे से कर दिया. Indians are known for jugaad. Exactly. Basically, I'm very grateful that I had a very amazing team, and it was not I, it was we. So we were working together on making TEDxSIMSREE even bigger and better than what we did for the last time. And in fact, जब इन्होंने मुझे email किया, I was on cloud nine क्योंकि via TEDx मुझे vlog करने मिल रहा है. तो सबसे बड़ी बात थी वो मेरे लिए. पूरा event मैंने capture किया. In fact, पराग ने भी किया. और मैम आप 2 वर्ड्स बोल सकती हैं लाइक आपको पूरा इवेंट इन अ क्रैश कोर्स कैसा लगा? बेसिकली इन अ नटशेल इफ यू सी इट वाज अगेन समथिंग बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन. वी वर एक्सपेक्टिंग ऑफ कोर्स बिकॉज जिस हिसाब से हमारी सबकी मेहनत थी इस टाइप का इवेंट होगा वो तो एक्सपेक्टेशन था ही. बट जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे भी काफी ज्यादा स्मूथ और उससे भी काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स. एंड इवन द बेस्ट पार्ट इज यू नो व्हेन योर गेस्ट कम एंड टेल यू दैट दिस इवेंट इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड. So you have also witnessed that a lot of the celebrity guests, they also mentioned that they loved the way the event was organized. So what can be a bigger thing for us as? ये बात तो है. And in fact, जब मेरा TEDx होगा, जब मैं like 100K 200K सब्सक्राइबर्स पे पहुंच जाऊंगा, उस टाइम TEDx अच्छे से होने वाला उतना मुझे भी पता. और उस टाइम मैं आपको भी बुलाऊंगा क्योंकि आपने मुझे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया वो मैं नहीं भूल सकता हूँ. और मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग था ये. मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसा इवेंट हुआ मेरे साथ. यू आर हम्बल एंड अगेन इट वाज रियली काइंड ऑफ होम टू एक्सेप्ट माय इनविटेशन एंड ऑन बिहाफ ऑफ TEDxSIMSREE एंड टू ब्लॉग द एंटायर इवेंट. थैंक यू सो मच. इसके ब्लॉग्स को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. एक यूट्यूबर के लिए ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है और इसको अभी आगे जर्नी लेनी है. तो आपका अगर सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली he crossed the milestones very quickly. Exactly. Yeah. So thank you everyone who was watching. Please spread happiness, spread love. Thank you. Thank you so much ma'am. Thank you so much. That was it for today's video. अगर ये वाला वीडियो आपको कोई भी रीजन से पसंद आया होगा तो hit the like button. अगर इस चैनल पर आप लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि इतने सारे टैलेंट आपको देखने मिले, सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ पराग नहीं, इतने बड़े बड़े वाले टैलेंट थे सब जो मेरे व्लॉग में आए। मैं काफ़ी ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हूँ कि मुझे इतनी अच्छी ऑडियंस मिल रही है। तो दूसरी बात ये है कि अगर या ठीक है बाय। सो सेकेंड थिंग्स अपार्ट, अगर इस चैनल पर 11 से 15 वीडियोस ऐसा चाट लियो या फिर देख लियो तो प्लीज़ 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 ट्राई करो कि यार वो जो शेयर वाला बटन है ना उसको दबाओ और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर करो सबके साथ। क्यों मालूम है? इसीलिए मैं भड़क के नहीं बोल रहा हूँ भाई, शांत होकर मेरा थोड़ा बोलते हैं ना, अभी एड्रेनलिन रश हो गया है मेरे को मैं सुबह से भाई रणवीर सिंह वाली पावर है भाई मेरे में तो फिर मैं ये कह रहा था फैमिली ग्रुप्स में शेयर करो। क्यों भाई? ये भी आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग शेयर करोगे ना, नए लोग देखेंगे, नए लोग जुड़ेंगे, मेरे को नए लोग पता चलेंगे। मेरा ऐसा ना यार, वैसे जितने नए लोग मिलते हैं मैं उनसे और बातचीत करने को ट्राई करता हूँ, क्योंकि मैं जानने के लिए ट्राई करता हूँ उनको। मेरी कम्युनिटी सिर्फ कम्युनिटी नाम की कम्युनिटी नहीं है भाई, मैं चाहता हूँ कि मैं सबके साथ मिल के रहूँ, मीटअप्स करूँ। ऐसा नहीं कि भाई 1 मिलियन 5 मिलियन जितना भी हो गया मेरा, अगर हुआ तो इन फ्यूचर तो मैं एरोगेंट बन जाऊँ भाई। वो बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, कॉन्ट्रोवर्सी वाले सीन्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन जो आपको मैसेज देना तो मैं दे दिया। ठीक है, मिलता है तब तक के लिए नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक बाय बाय, शबा केयर, टाटा बाय बाय। मेरा चैनल देख लेना प्लीज, पराग का चैनल देखना। पूरा साले पूरा कवरेज ही खाया तू और मेरे वीडियो देखोगे तो उसमें ओम का चैनल दिखला तो समझो फिटनेस हो जाए। हाँ फिटनेस हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शबा केयर, टाटा बाय बाय।